हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 8:32 और हम खड़े हैं भाई आंगन में और इस शानदार मौसम का भाई लुफ्त उठा रहे हैं। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है पूरे फेस पे, पूरी बॉडी ना रिचार्ज हो चुकी, रिफ्रेश हो चुकी। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ऐसे मौसम में जब पानी नहीं गिरता है ना और बादल वाला रहता है, ठंडी हवा लगती है, तो बस ऐसा तो बस यहीं बैठे रहो, यहीं चाय नाश्ता करते रहो यार, एक नंबर का मौसम लगता है। नहा धोकर हो गए हैं तैयार और भाई जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर। और आज है हमारे बॉस का हैप्पी बर्थडे और हम दोनों ने भाई पहन लिए है बढ़िया सफेदी की चमकदार। बॉस आई, भाई साहब ने स्टैंड कॉलर, हमने कॉलर वाली, शानदार। और भाई साहब नाश्ता वास्ता करके हो गए हैं फुर्सत और मैं नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई बहुत ज्यादा लेट हो रहा, तो फटाफट मैं पेट के अंदर डालूं, पानी पीऊं और बाहर निकलूं। तो भाई नाश्ता उठा मेरा कहाँ है जी। और भाई अपना परमानेंट नाश्ता उपमा, शानदार। और मम्मी जी बैठी हैं, ये देखो दोपहर में आना लंच करने, तो हाँ दोपहर में आएंगे तो लंच करें, समय मिल गया तो, नहीं तो भैया जय श्री राम। बाहर बहुत सारे आज काम है, बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, तो फटाफट उपमा खाते हैं। फाइनली दोनों भाई हो गए हैं तैयार, फटाफट गेट खोलते हैं, पहुंचते हैं भाई स्पॉट पर। और अभी बॉस की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं है, पता करते हैं और उसी लोकेशन पहुंचेंगे और भाई हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे, शानदार। तो चलो मैं गेट खोला, भाई साहब गाड़ी निकालो। हेलो हम पहुंच गए भाई छोटी लाइन वाले जो ऑफिस है ना वहां पर। यहां पर पूरा अच्छा हॉल बना हुआ और सर का बर्थडे यहीं पर मनाया जा रहा है भाई बॉस का। तो अपन अंदर चलते हैं, बहुत सारी संख्या है यहां, गजब की भीड़ मची पड़ी है भाई। तो अपन चलते हैं, बॉस को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। महाराज हमारा छोटा भाई है ना, ये भी आया, बॉस का बर्थडे यहाँ पर हो चुका और अब जा रहे हैं भाई हम लोग वृद्धाश्रम। तो संदेश भाई यहीं पर रहेंगे और हम दोनों भाई जा रहे हैं बाइक से, बाय बाय। चलो अमित भैया गाड़ी चला रहे हैं, हम अपनी बाइक से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको बीच में कहीं जाना पड़ा तो अपनी बाइक से जा सकते हैं, और बॉस के साथ जाएंगे तो फिर रिटर्न यहाँ आना पड़ेगा। और उनके आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं और अभी जा रहे हैं भाई वृद्धाश्रम में, फल वितरण भी है और पूरे वृद्ध जनों से आशीर्वाद भी लेने जा रहे हैं क्योंकि भाई हैप्पी बर्थडे में बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, क्यों अमित भैया? सही बात है भाई, अपने से बड़े अपने जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, उनकी दुआएं उनका आशीर्वाद तो हैप्पी बर्थडे पूरा होता है। सही बात है। हम पहुंचे मदन महल चौबट्टा, भाई लगा है गजब का जाम। तो अब हम जा रहे हैं हाथी ताल वाली रोड से, वहाँ से सीधे अंदर ही अंदर ना गुप्तेश्वर मंदिर होते हुए निकल जाएंगे। यहाँ जाम में फंसेंगे तो कम से कम आधा घंटा बर्बाद होगा, मेट्रो बस फंस गई है जाम में, हो सकता हो ऐसा ना हो कि पंचर हो गई हो, बीचों बीच खड़ी है और पूरा जाम फंसा पड़ा है। तो हम शॉर्टकट मारते हाथी ताल से पहुंच जाएंगे हम जल्दी जल्दी। हम पहुंच गए भाई मेडिकल के आगे, जो सरकारी वृद्धाश्रम पड़ता है ना वहाँ पे, और जबलपुर में एक ही वृद्धाश्रम है जो सरकारी है। और भाई गजब की लोकेशन देखो, यहाँ गजब की हरियाली है और यहाँ भगवान का मंदिर बना हुआ है। और हमने जो शॉर्टकट मारा ना भाई हाथी ताल वाला जो शॉर्टकट, वो बिल्कुल सही था। अभी हम सबसे पहले आके यहाँ खड़े हो गए, अभी तक तो कोई भी काफिला नहीं आया है। और यही होता भाई, जो गली गली जानते हैं ना, शॉर्टकट रोड जानते हैं, उनका फायदा यही होता है, बाइक घुमाओ और धूम मचाले की तरफ फटाफट शॉर्टकट मार के आ जाओ। अभी समय हो रहा भाई 1:45 कम है, तो भाई अपन आ गए हैं, अब आराम से बॉस आते रहेंगे पीछे से, उनको भी पता ना हो जाम में फंसे हो, मदन महल वाले जाम में फंसे हो भाई, बहुत जफराना भाई। वृद्धाश्रम वाला कार्यक्रम बहुत शानदार हो गया, बहुत अच्छा हुआ और वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिल गया भाई बॉस को, बहुत बढ़िया है, बर्थडे ऐसा ही बनता है क्यों भाई साहब। अब यहाँ से अपन चलते हैं रानीताल वाले कार्यालय में, सीधे रानीताल का रहा अपन पूरा में खड़े, अपन को जाना पश्चिम, तो सीधे भाई साहब गाड़ी निकालो, अपन यहाँ से सीधे चलते हैं। हर चौक पे जाम लगा भाई, हर चौक पे, अभी हम लोग कुलिया कुलिया घूम के उसके बाद ये जाम का हमको सामना करना ही पड़ा भैया, आराम से निकालते रहो धीरे धीरे। हम पहुंच गए रानीताल कार्यालय में और एक आपको बहुत अच्छी चीज दिखा दे, देखो पीछे ब्रिज दिख रहा है, ये सोले का ठाकुर है, सोले का ठाकुर के दोनों हाथ कटे थे, इसके पिलर का सिर्फ एक हाथ कटा हुआ, देखो एक हाथ है ना। और यहाँ पे भी देख लो, जे वाले में भी देखो, इसमें भी एक हाथ बना हुआ है और पीछे वाले में देखो एक हाथ बना हुआ है, ये सोले का ठाकुर है भाई, इसके एक एक हाथ कटे हुए हैं, उनके दोनों हाथ कटे थे इसमें। अब ये चिपका के बनाते कैसे बनाते भाई, मेरे को तो नहीं इसका नॉलेज है, पर वाकई में देख डर लगता है, ब्रिज कैसे टिकेगा यार, देखो खुद देखो सामने, ऐसा लग रहा है जैसे बीच बीच में रखे पत्थर चिपकाया गया है, ऐसे 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 भाई, अद्भुत कलाकारी है।
ये चिपकते देखा भी नहीं गया, यूट्यूब पे देखने मिलता है इसका? नहीं, ये ब्लॉक नहीं मिल रहा, पूरा टायर जो ऐसे बनाते हैं ऐसे वो वाला मिल जा रहा है, क्या बोलते हैं रॉड वगैरह बांध के जो बनाते हैं सेंटिंग वाला, वो मिलता है, पर ये वाला देखने नहीं मिला। कैसे बंद आता है, बीच में पिलर खड़ा हो गया, फिर आधा चिपका रहा, फिर इधर चिपका रहा, फिर इधर चिपका रहा। 1 बजे आके देखेंगे, लो 1 बजे काम करते हैं अपन, उसी समय देखेंगे चिपकता कैसे। यार ये बहुत बड़ी कलाकारी है, बहुत बड़ी कलाकारी है, इसको चिपकते हुए हमेशा देखेंगे। किसी तरह रात को आएंगे तो देखेंगे भाई चिपकाते कैसे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा रोचकता वाला विषय है, एक हाथ का ब्रिज है भाई, एक हाथ का ब्रिज भाई, मेरे को तो देख के डर लगता ही चलेगा कितने देर। रानीताल कार्यालय का भाई काम हो गया, फुर्सत मीटिंग हो गई फुर्सत, और समय हो रहा है 4:15 बजे, और हमने लंच भाई यहीं पर कर लिया था दोनों जन ने, तो वो भी काम से फुर्सत हो गए। पर अभी एक दो काम मार्केट के और बचे हुए हैं, पर क्या है जिनसे हमें मिलना है वो सिहोरा में भाई साहब है, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो समय व्यर्थ करने से अच्छा है लैपटॉप और मोबाइल वाला काम कर लेते हैं। अपन सीधे लैपटॉप और मोबाइल वाला जो काम है अपडेट वाला वो घर चल के कर लेते हैं, तो वो काम हो जाएगा, और जब भाई साहब आएंगे तब उसके बाद उनसे मिलने वाला काम भी हो जाएगा। पानी के छींटे उतर जाए बहुत तेज, अब यहाँ से निकलते हैं। हम लोग जब रानीताल कार्यालय में भाई बैठे थे ना, और जब लंच चल रहा था तो इतना तेज पानी गिरा है, मूसलाधार यार, लग रहा कि 1.25 इंची के करीब तो पानी गिर गया। पर पानी की जो स्पीड थी ना वो गजब की थी, उसी दिन की तरह। पर मैंने मम्मी से भाई फोन करके पूछा उधर पानी तो नहीं भरा, मम्मी बोली नहीं पानी रोड पे भी नहीं आया भाई, क्या इतना तेज पानी गिरता तो डर लगने लगता। कहा भाई साहब कैसा पानी गिरा भाई, घर बीच में एक जरूरी काम था उसको भी निपटा दिया, और घर पहुंचते ही देखो ये डहरी बंधी हुई है भाई, तो इस पूरे ईटे को उठा के पहले रखना पड़ेगा किनारे, फिर पूरा फ्लैग चपोतना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी अंदर आ पाएगी। पानी की भाई इतनी ज़्यादा दहशत हो गई है कि जैसे ही पानी गिरे ऐसी डहरी बनाना पड़ रहा है, परमानेंट तो नहीं बना पा रहे क्योंकि भाई रोज़ अप डाउन हो रहा है, तो ऐसी भाई बीच बीच में बनाना पड़ जा रहा है। भाई साहब ने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी है, अब कपड़े वड़े उतारते हैं, डहरी बटोरते हैं, ईंटें जमाते हैं, उसके बाद गाड़ी अंदर जाना पड़ेगा, तो गाड़ी एक काम करते बाहर ही रख देते हैं, रात को अंदर कर लेंगे। आने के बाद भाई नहा धोकर फुर्सत हुए, और ऑफिस का कॉल वाला और लैपटॉप वाला काम करके फुर्सत हो गए हैं, अब भी हुआ है, और भाई चाय की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो भाई हमने चाय देखो ये देखो बैठा दिए है ना, मस्त चाय खोल रही है धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे आंच कर दिए, अच्छी चाय पकेगी बढ़िया, खुशबू जब आने लगे समझो चाय बनके रेडी हो गई है। गाइस दोनों भाई हो गए हैं तैयार, समय हो रहा है 9:45, और अभी हमको बहुत ज़रूरी कॉल आया है भाई, एक पूरी फाइल टाइप करा के हमको पूरे मेल करना है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए भाई देखो पानी गिर रहा है, बूंदा बूंदी चालू हो जाएगा, और अभी तुमको हमको भागना पड़ेगा। दोनों भाई को हमने फ़ोन कर दिया भाई टाइपिंग वाले भाई को कि रुकना काम बहुत ज़रूरी है, छुट्टी भाई तुम्हारी बाद में, पहले हमारा काम भैया करो, है ना, चले जाता 8:30 बजे चले जाता, पर हमने फ़ोन करके उसको रोक दिया है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते भैया अपनी दुकान पर, और फटाफट टाइप वाला काम करा के ना ऑनलाइन वाला काम फुर्सत करके उसके बाद आएंगे। अब कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, रात भी हो सकती 12 बज सकते 11 बज सकते, पर काम आज करके पक्का करके फुर्सत कर देना है। पहुंच गए भाई हम टाइपिंग की दुकान में, भाई साहब थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, और एक दो जगह क्या है हल्का सा वाइटनर लगाना था, वो लगा के उसको सुधार के उसके बाद टाइपिंग का पूरा वर्क चालू होगा, फटाफट वर्क चालू कराते हैं। समय 9:10 हो चुका है, अभी समय लगेगा भाई साहब को 10-15 मिनट लगेगा सुधार कार में। समय हो रहा है 9:50, 9:45। गाइस हमारे टाइपिंग वाला थोड़ा वर्क तो हुआ, आगे का काम ही नहीं हो रहा भाई, से कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई तो टाइपिंग वाला काम नहीं हो रहा, और नेट तो पूरे से बंद हो गया है, यहाँ 1 मिनट के लिए लाइट गोल हुई थी, उसके बाद नेट की स्पीड ही नहीं आ रही है, तो समझो आना ही बेकार हो गया। क्यों भैया सही बात, परेशान हो गया यार, इतनी भीजते हुए आए थे यार, पागलों की तरह दौड़ते स्पीड में गाड़ी चलाते हुए, पर काम नहीं हुआ 9:50 बैठे बैठे भाई, थोड़ा सा काम हुआ, अब कल बाकी काम अपन को करवाना पड़ेगा, यहाँ से सीधे घर, पानी भीजते हुए आए थे भीजते हुए ही घर जाना है। बाहर से आने के बाद भाई मैं एक बहुत जरूरी काम में लग गया था, और अभी समय हो रहा है 1:24। गाइस अब हो गया है समय मेरे डिनर करने का, सबने डिनर कर लिया है, मम्मी पापा तो सो भी गए हैं, भाई साहब जाग रहे हैं और मुझे खाना निकाल के दे दिए हैं। भाई कल मैं 1 बजे खाया, परसों भी मैं 1 बजे खाया, और आज मेरा समय हो गया भाई 1:24। दिन पर दिन भाई मैं लेट होता जा रहा हूँ खाना खाने में,
पर कल से थोड़ी सी कंडीशन को सुधारनी पड़ेगी क्योंकि इतनी रात को खाना खाना अच्छी बात नहीं है। पर क्या करें भाई, काम भी जरूरी है, काम छोड़ नहीं सकते हैं और खाना भी खाना है, तो काम करके खाना खाएंगे। और अब बच गए 1:25 और भाई मेरी थाली तैयार, हो जाओ, थोड़ी भारी है, उठाते नहीं बने। तो ये देखो शानदार थाली है, बनी है दाल, भिंडी की सब्जी, हरा मिर्चा, गर्मा गर्म चावल, और चावल में छप गई है सब्जी का मसाला। हे गाइस, हो गई है बहुत रात और नींद भाई बहुत भयंकर आ रही है। व्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।